लव डज नॉट हैव कैलकुलेशंस, वहां लॉजिक नहीं चलता। और भगवान ने ये इस जगत के अंदर खुशी फैलाने के लिए, प्रेम बांटने के लिए एक ऐसा अस्तित्व बनाया है जिसका नाम है स्त्री। उसके अंदर सारा कुछ रस भरा हुआ है, उसके अंदर यही रस भरा है, वात्सल्य, मैत्री। ये बाय नेचर, उसको कोई बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, कोई औरत को, यस लड़की को, ये अंदर से आता है। जैसे वो मां बनती है ना, तब से उसका पूरा स्वरूप देवी स्वरूप हो जाता है। ये भारत की परंपरा है, भारत की सोच है। हमें कोई वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है, एवरीडे इज वैलेंटाइन। वैलेंटाइन वो तो एक संत का नाम था जहां पर प्रेम का भूख मरा था, और उस वैलेंटाइन संत ने प्रेम बांटा। और आपको पता नहीं है उस जमाने में, आई थिंक इट वॉज 15th or 16th century ऑफ रोम, एंड इट क्रिएटेड अ वंडर। राजा को झुकना पड़ा। उस जमाने में राजा यानी शहंशाह हुआ करते थे, और उसने फतवा निकाल दिया तो खत्म, बात खत्म। पब्लिक को घबराना चाहिए, वो ऐसे थथरना चाहिए। यहां राजा आया, चर्च में आया और उस पादरी के चरणों में झुक गया, और उसने कहा, आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव टुडे, द वे यू हैव एक्सप्लेन टू दिस होल न्यू जनरेशन यूथ व्हाट इज लव। एंड मैं भी खुद इतना पागल हो चुका था कि ये प्रेम और प्यार क्या है, सौदा है, कुछ देना है कुछ लेना है। प्यार कुछ लेने देने का धंधा नहीं है, मात्र देना है। अरे देना सीख जाओ, मात्र देना है। क्या देना है? पैसा देना है, कपड़ा देना है, खाना देना है, पीना देना है, क्या देना है? प्यार क्या होता है? व्हाट इज प्यार? व्हाट इज लव? इज इट विजिबल? क्या वो दिखता है? दिखता है। लव नहीं दिखता, लेकिन उसके जैसे बुखार आता है तो उसका मतलब क्या है? कुछ रोग हुआ है। रोग नहीं दिखता है, क्या दिखता है? बुखार दिखता है, सिम्टम्स दिखता है, खांसी दिखती है, छींक दिखती है, नाक में से पानी जाता है, ये दिखता है। दीस आर द सिम्टम्स। इसी प्रकार लव के कौन से सिम्टम्स है भैया? गुलू गुलू, व्हाट इज लव? जब हमारे अंदर से किसी के लिए बिना कारण केयर यानी कि जतना, किसी के लिए ऐसा हो कि हाँ भाई तुम्हें ध्यान रख जो, आप ऐसा करना, आपको ऐसा ना हो सके, दिस इज केयर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ समबडी। व्हाट इज दिस केयर? केयर इज विजिबल, लव इज नॉट विजिबल। सो व्हाट इज केयर? केयर इज द एक्शन विच इज विजिबल, और उसके पीछे क्या है? लव, वात्सल्य। तो जहां केयर है, भगवान महावीर ने ये बहुत जबरदस्त रास्ता बताया, लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। भगवान का मार्ग पूरा साइंटिफिक है, मैथमेटिकली है। तो उसके अंदर आज हमें क्या करना है? लव इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर। सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जस्ट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर आप किसी को कहते हैं कि आई लव यू, मींस व्हाट आई
care for and I share everything. Huh? I care for and I share it. Hug day. Huh? I love you. Let's hug together. Is that love? Yeah, it is part of that love. But after that, after hugging, you don't care. Then what is that hug? Bullshit. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So हमारी भारतीय परंपरा के अंदर बहुत स्पष्ट है. इतनी स्पष्टता पूरे जगत के अंदर नहीं है. और ये स्पष्टता किसने दी है? हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने दी है. क्या दी है? मैत्री. मैत्री इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर. मैत्री इज इक्वल टू केयर प्लस शेयर. एंड व्हाट इज मैत्री? मैत्री इज लव. फ्रेंडशिप विदाउट रीजन. Friendship without reason. If I do friendship with anybody without reason, that means I really love. माँ जो प्यार करती है, प्रेम करती है उस एक दिन के बालक को, जब तक वो जिंदा रहता है, 90 साल का होगा और माँ जिंदा है तब तक उसकी चिंता करती है. तो उसको कोई स्कूल में कॉलेज में ट्रेनिंग करने गई थी क्या? नहीं ना. So that is love. तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, संगीत है अपना सुहाना सुहाना, तुम्हारा है स्वर ऐसा निराला. अपना